वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंगल्स। मैं अवनी, मैं शिवानी, मैं पूजा और मैं जानवी। सो गाइस, आप देख सकते हो कि आज हमारे सामने रखा हुआ है इंडियन स्ट्रीट फूड। आप देख सकते हो, ये है छोले भटूरे, ये है भले पापड़ी, ये है हमारे यम्मी से गोलगप्पे, ये उनका खट्टा मीठा पानी, और गाइस ये है ब्रेड पकौड़ा, वन ऑफ द फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड सब लोगों का। और गाइस हमारा ये छुपा हुआ गुलाब जामुन जो कि मेरी प्लेट में भी एक है और यहाँ भी एक है। गाइज यहाँ भी एक और गुलाब जामुन से मतलब यही हो गया। आप देख सकते हो कि हमारा खाना भी सेम है, हमारे से मतलब कि मेरा और शिवानी का। आज भी हमारा चैलेंज टीम्स में होने वाला है, तो आज मेरे और शिवानी की टीम है और मेरी और जानवी की टीम है। तो गाइज हमारे पास भी सेम छोले भटूरे, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, उसके बाद भल्ला पापड़ी और ये ब्रेड पकौड़ा, यमी टेस्टी। तो गाइज ऐसे कि आपको पता है कि यमी चैलेंज, और यमी चैलेंज के बाद हम करते हैं खतरनाक सी पनिशमेंट। तो वो पनिशमेंट किसको मिलेगी, तो ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी एक बात पूछ रहे थे मुझे, तुम्हारी जो स्किन है इतनी ब्राइट कैसे होती जा रही है, मतलब डे बाय डे कोई राज है क्या इसके पीछे? वाओ, मेरी स्किन ब्राइट हो रही है। तो यू कैन सी द रिजल्ट्स जानवी, बेसिकली द प्रोडक्ट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज वेरी इफेक्टिव। तो मैं तुमको बताती हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। तो मैं यूज कर रही हूँ ये इटर्नल आयुर्वेदा स्किन लाइटनिंग ऑयल। दिस ऑयल इज इनरिच्ड इन एलोवेरा एंड टर्मरिक। तो जानवी इस ऑयल को मैं कुछ पास्ट फ्यू वीक से यूज कर रही हूँ, एंड जैसे कि तुमने बोला कि ऑब्वियसली यू कैन सी द इफेक्ट्स ओवर माय स्किन। तो जैसे कि तुम्हारी डेड स्किन होती है, बहुत ज्यादा मेकअप एंड सनलाइट एक्सपोजर की वजह से तुम्हारी स्किन थोड़ी सी यू नो ब्लैकिश हो जाती है, तुम्हारा जो कलर होता है वो फेयर से डल हो जाता है। एंड और तो और ये ऑयल आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी काफी इफेक्टिव है। एंड एक और फैक्ट गाइस, जब भी आप फेयरनेस क्रीम्स यूज करते हो और आप उनको वॉश कर लेते हो, तो उनके जो आप लेयर अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे, तो वो लेयर भी क्लीन हो जाती है। एंड उसका जो इफेक्ट आपको अपनी स्किन पे दिखना चाहिए वो इफेक्ट आपको नहीं दिखता। लेकिन ये इटर्नल आयुर्वेदा स्किन लाइटनिंग ऑयल आपके पोर्स तक जाएगा, एंड इसका जो इफेक्ट होगा आपकी स्किन ब्राइटनिंग का, दैट वुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म। इस ऑयल को कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप नॉर्मली फेस वॉश कर लो, वॉश करने के बाद स्टीम लेके आपके पोर्स जो होंगे ना फेस के वो ओपन हो जाएंगे। फिर आप इस ऑयल को बहुत ही इजीली सर्कुलर मोशन में मसाज करो, 5 to 7 minutes रखो, और फिर उसके बाद फेस वॉश से फेस को क्लीन कर लो। रेगुलर यूज ऑफ दिस ऑयल विल बी वेरी इफेक्टिव, आपकी स्किन भी फेयर होने लगेगी, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स एज जानवी इज एबल टू सी द रिजल्ट्स ओवर माई स्किन। तो गाइस इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलोवेरा एंड टर्मरिक और साथ ही साथ आलमंड ऑयल के भी बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि टर्मरिक कितना ज्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, एंड दैट ब्राइटन्स योर स्किन। एलोवेरा इज फॉर द मॉइस्चर, जो आपकी स्किन में मॉइस्चर है वो बना रहे, और फिर उसके बाद आलमंड ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन स्मूथनेस। इटर्नल आयुर्वेदा स्किन लाइटनिंग ऑयल आपके पोर्स तक जाएगा, एंड उसके बाद आपको जो इसका इफेक्ट है दैट वुड स्टे वेरी लॉन्गर। आपको खुद ही खुद में फील होने लगेगा कि आपकी स्किन और फेयर होती जा रही है। तो जानवी इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट को तुम भी यूज करके देखो। ऑफ कोर्स अवनी, मैं जरूर यूज करूंगी इस ऑयल को, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इतना मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उससे हमारी स्किन पे थोड़ा तो इफेक्ट होता ही है। ये यूज करने से स्किन और ब्राइटन हो जाए? ऑफ कोर्स होगा, जब तुमको मेरे ऊपर इफेक्ट दिख रहा है तो क्यों नहीं होगा। और गाइस आप भी इस ऑयल को जरूर यूज करके देखिए, एंड एक बार यूज करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अपनी स्किन पे, अपने फेयरनेस पे दिखने लगेगा। तो इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करिए, बाय योर प्रोडक्ट एंड मस्ट ट्राई। तो गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके, 3, 2, 1 गो।
गाइस आज शिवानी ने टीम को जिताया है। अब देख रहे हो उसने छोले भटूरे सबसे ज्यादा खाए हैं, क्योंकि मेरा फोकस इसी में था। ये थाली मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन उसने आधे से ज्यादा छोले भटूरे क्या पूरे छोले भटूरे खाए हैं, 1/4 ही मैंने खाए हैं। तो दैट्स अ वेरी बिग डील, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ टीम शिवानी। यस गाइस, हमने इसलिए इतना जल्दी जल्दी खा लिया ना, क्योंकि ये इतने ज्यादा टेस्टी थे। ब्रेड पकौड़ा भी बहुत यम्मी था, मैंने तो सॉस से खाया था। और फिर उसके बाद मैंने छोले भटूरे भी ट्राई करे थे, तो वो भी बहुत यम्मी थे, एकदम स्पाइसी खाया हमने भी सब है। बस ये थोड़ा सा बच गया। क्या गाइस, थोड़ा सा ही बचा है, देखो मैं बता देती हूँ, थोड़े से हमारे ये भटूरे बचे हैं और बस ये थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा बचा, बाकी सब फिनिश कर दिया है हमने। ऐसा नहीं है, हम नेट नेट थे। हार तो हार होती है, चाहे इतने से हारो चाहे इतने से हारो चाहे इतने से हारो, बल्कि जब इतने से हारो तो ज्यादा दुख होता है। नहीं, हमारा इतना नहीं था, इतना था। तो गर्ल्स आर यू रेडी, चलो लेट्स गो फॉर द पनिशमेंट, क्योंकि इतनी प्यारी पनिशमेंट है ना, इतनी प्यारी। ओए होए, तो गाइस हम इंदौरा की पनिशमेंट के साथ आ गए हैं। पनिशमेंट इतनी अमेजिंग है ना, ओए होए, आई जस्ट कांट वेट टू लुक एट देम, यू नो, आफ्टर द पनिशमेंट। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू मैं तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट अप्लाई करूंगी, और फिर उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? तो गाइस हम शुरू करते हैं। शिवानी ओके रेडी? दादा खुला गया, हम अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। बॉक्स में मैंने दे दिया है, क्लिक करिए एंड बाय योर प्रोडक्ट। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।